ये हमने क्या करा, बाल्टी निकाल देंगे यहाँ से, लॉक निकल, देखिए कैसे घूम रहा है ये एकदम, देखिए कैसे घूम रहा है। तो बंदा क्या है, लॉक निकाल देगा। अब ये देखिए एकदम नीचे कर दो, ये घूम रहा है इसका नीचे, एकदम घूम रहा है, बस आप जैसे ही नीचे करें, नीचे करो, ये देखिए, और ये लेके दबा दिया, नीचे करो, बस मैं संजीव कुमार मशीन वाला का भी आपसे मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक्साइटेड हो जाइए, आज ये ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जिसे मिस मत कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे टू लेग की लिफ्ट मशीन मैंने पूरा ऊपर से नीचे तक कस रखा है, और ये एक ही मशीन नहीं है, ये देखिए एक इधर है और एक यहाँ इधर भी है। दोनों मशीनों के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। जब तक मशीन में कुछ नया ना हो और बेस्ट ना हो, बेहतरीन ना हो, लेबर की बचत वाली चीज़ें ना हो, जब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ये नहीं कि मैं एक ही मशीन की वीडियो बना बना के आपको बोर कर दूँ, नहीं, कुछ ना कुछ नया लेके जरूर आता हूँ। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे का नाम लेके वीडियो शुरू करते हैं। और इसके बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इस इंजन में वाटर कूल्ड इंजन लगा है, इसके फायदे क्या हैं, आपको मशीन लेते समय इसका बहुत ध्यान रखना है। और इस इंजन में, इस मशीन में हमने लगा रखा है एयर कूल्ड इंजन, यानी एयर कूल्ड VS वाटर कूल्ड, दोनों के बेनिफिट बताऊंगा कि क्या इसके अंदर बेनिफिट होता है और हमें क्यों वाटर कूल्ड लगाना चाहिए और क्यों एयर कूल्ड लगाना चाहिए। एकदम वीडियो के लास्ट तक बन रहिएगा। और एक इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ लगाई है हमने, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमने लगाई है इसके ऊपर बैरिंग का सिस्टम फिट है, और वो क्या काम आएगा उसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं आपको, ये चला के बताऊंगा। ये मेरे पास आइडिया इसलिए आया, मैंने ज़्यादातर देखा हमारे मशीन वाले भाई जो भी हैं, जिसके पास ये मशीनें हैं, कमेंट भी आती थी कि सर यहाँ पे हमारी बाल्टी घिस जाती है बहुत जल्दी, यानी यहाँ पे जल्दी घिस जाता है। मैंने भी दिमाग लगाया भी, इसको ना चलना है ना कुछ करना है, बस माल ऊपर जाता है और माल पलट देना है, तो ये घिसने का मतलब क्या है। फिर मैंने ध्यान दिया कि ये क्या है, जहाँ माल खाली करते हैं तो रगड़ता है इसके ऊपर, अब ये रगड़ता है, तो उसके लिए हमने वो बैरिंग सिस्टम और उस पर वो लगा दिया रोलर, उससे क्या है अब ये रगड़ेगा नहीं, यानी जैसे ही माल खाली करेंगे तो वो नीचे पलटी मारेगा, जिसे मैं चला के भी दिखाऊंगा और आपको डेमो करके एक बार दिखा देता हूँ कि क्या चीज़ है। एक बार मैं दिखा देता हूँ, फ़ोन दिखाओ इधर, देखिए ये देखिए, आप सही तरीके से देखिए, इस पे जो हमने सिस्टम लगाया है ये देख पा रहे होंगे, और ये घूमेगा भी, ये देखिए घूम रहा है, यानी ये जैसे ही बाल्टी आएगी तो इसके ऊपर ऐसे ही घूमने लगेगा। मैं इसे चला के भी दिखाऊंगा आपको, आता हूँ इसको डेमो करके कि क्या उसका वर्क है और क्या इसके बेनिफिट है। इस मशीन के मैंने ऑलरेडी कई सारी वीडियो डाल रखी है जिसके ये पूरे इसके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, तो वीडियो लंबी ना करते हुए मैं जल्दी से आपको इसे चला के दिखाता हूँ। इसको हैंडल मारो भी, चालू करो, चालू करके डेमो दिखाओ फटाफट, जल्दी करियो एकदम। तो ये किर्लोस्कर का 10 HP का वाटर कूल्ड इंजन है जिसे चालू करके दिखा रहे हैं। बहुत ही सारी इसके अंदर हमने चेंजेस कर रखे हैं, देखिए ये स्टार्ट हो गया, हाँ फैंटली स्टार्ट है, आवाज बताता हूँ उसको भाई क्या है। अब कैसे कि इसके अंदर ये ऊपर चला गया, ये हमने क्या करा, बाल्टी निकाल देंगे यहाँ से, लॉक निकल गया, एक मिनट फोन दिखाओ, ये हमने बाल्टी निकाल दिया है, अब ये बाल्टी ऊपर जाएगी तो देखिए कैसे घूमेगा।
था आपने, ये देखो कैसे घूम रहा है, ये एकदम देखिए कैसे घूम रहा है। ये लॉक लग गया, यहाँ पे पैर वैर रखने के लिए जगह नहीं है। अभी से नीचे करो, नीचे नहीं। ये देखिए कैसे गया, अभी से ऊपर दोबारा करो। अभी जैसे ही बाल्टी यहाँ आएगी तो बंदा क्या है और निकाल देगा। अब ये देखिए एकदम नीचे कर दो, ये घूम रहा है इसका नीचे, एकदम घूम रहा है। बस आप जैसे ही नीचे करें, नीचे करो, ये देखिए, और ये लेके दबा दिया, नीचे करो बस। नीचे आगे, ये देखिए नीचे आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, पहले इंजन में बंद कर देता हूँ। ये इंजन बंद कर दिया, इसके बारे में बता रहा हूँ। अब वहाँ पे क्या है कि खड़े होने के लिए जगह होती है जहाँ माल गिरता है, तो इसकी बाल्टी का जो क्या है वहाँ पे खड़े होने के लिए जगह रहती है। आप देख पा रहे होंगे दो दो पाइप जो लग रहे हैं, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर क्या है सरिया है, रोलर है जो कि वो घूमता रहता है, मैंने दिखाया था घुमा के, और उस पर क्या है इस पर रगड़ के आता है तो वो घूमता है साथ में। घूमने की वजह से ये कटेगा नहीं जल्दी, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इससे आपकी मशीन ज़्यादा चलेगी। यानी जो बाल्टी एक साल चलती है वो 5 साल 10 साल तक नहीं घिसेगी, इससे ये बेनिफिट होने वाला है। और यही बहुत ही अच्छी चीज़, इंटरेस्टिंग चीज़ बनाई है। अब मैं बताता हूँ ये एयर कूल्ड इंजन, ये वाटर कूल्ड इंजन और एयर कूल्ड इंजन में क्या फ़र्क है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने एक एयर कूल्ड इंजन रख रखा है मशीन वाला ब्रांड का। एयर कूल्ड इंजन आपने सोचा होगा मशीनों में क्यों लगाने के लिए ज़्यादा प्रेशर डालते हैं। एयर कूल्ड इंजन में क्या होता है कि जब फिट करना होता है तो सप्लायर को या डीलर को तुरंत एयर कूल्ड इंजन लिया और लेके मशीन में रख दिया, बेल चढ़ाई काम खत्म। पर कभी भी आप पानी वाला इंजन रखवाइए अपने हर मशीनों में, और ख़ास करके गर्मी के मौसम में तो पानी वाला इंजन रखिए भाई। पानी वाला इंजन से क्या है कि इंजन पानी वाला चारों तरफ चल जाएगा। अब आप ये मशीन बना रहे तो पानी की वहाँ ज़रूरत है ही, ड्रम रहता है उसमें पानी डालना पड़ता है। तो आप जो ड्रम यहाँ पे लगा रहे हैं या उधर लगा रहे हैं तो पानी का कनेक्शन कर दीजिए, इससे इसके अंदर पानी का सर्कुलेशन होता रहेगा तो इंजन की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगी। तो यही फ़र्क है, ये पानी वाला इंजन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, इसका ध्यान रखना। और मशीनों में हमेशा चेंजेस होता रहता है, ये भी हमने मशीन एक बनाई है, देखिए कितनी सारी चेंजेस है, जिसे चालू करके भी दिखा देते हैं हम। ये देखिए, एक तो इसके हमने जो पर्दे बनाए हैं बहुत ही अच्छे लगाए हैं, पर्दे लगा के दिखाओ इसके। ये देखिए पर्दे कितने बेहतरीन लगाए हुए हैं, ये इसका आगे का पर्दा लगा दिया, देखिए एक एक करके देखते रहिए पॉइंट से। ये देखिए इसका ये पर्दा लगा दिया हमने, नीचे कर दिया। अब ये शटर टाइप का पर्दा है, ये सामने से देखिए इधर से, इधर ये देखिए किस तरह शटर की तरह लग गया। अब दूसरा लगाओ, देखिए ये लग गया। और इसको क्या है ये ऐसा बनाया है, ये कब्जे इसमें से निकल जाएंगे, पर्दे जहाँ भी आपको उतारने हो। तो ये क्या है इसमें ये सिस्टम, इधर करो थोड़ी सी, इधर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ये यहाँ पे क्या है ये कब्जे लग गए, थोड़ा उससे बाहर खींचो उधर की तरफ। बस ये देखिए एकदम गेट की तरह कितना बेहतरीन है यहाँ करके। और इसको यहाँ लगाया है बोल्ट खोलो, इसमें ताला लगा दो,
आपका एकदम सारा सिस्टम, ये ताला लगने के बाद कोई निकाल नहीं सकता, एकदम बेहतरीन हो गया, दोनों तरफ ताला लग जाएगा। अब इसको जैसे ही हमें चलाना हो खोलो, इसे खोल के इसे चालू करके दिखाओ। इस मशीन में बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं, जब भी इसे चलाना हो तो ये पर्दे सारे खोल दो, उधर से पीछे से उतारा, इसको इधर खींचा, उसे उधर खींचा और एक तरफ रखते गए, उसे खींचो, एकदम अब हवा लगेगा इंजन को, देखो कितना बेहतरीन। और इस मशीन में बहुत ही क्लाइंट ने चेंजेस करवाया, देख पा रहे होंगे ये बॉक्स जो बंद हो गए हैं, इससे बहुत बेनिफिट होता है, इसके अंदर मलबा नहीं जाएगा, थोड़ा सा भी कचरा नहीं बसेगा सीमेंट का कंक्रीट का। और ये देखिए यहाँ भी बंद पड़ा है सामने से, अब इसे चालू करके दिखाएंगे हम आपको, चालू करके दिखा दो। देखिए ये चालू कर रहे हैं मशीन वाला का इंजन एयर को, देख पा रहे होंगे अब इसे पूरा चला के दिखा रहे हैं हम आपको। मैंने इसकी ऑलरेडी कई सारी वीडियो डाल रखी है जिसे आप देखकर लिफ्ट कराओ, लिफ्ट तो मैंने आपको चला के दिखाया, बहुत ही बेहतरीन है ये। मशीनें बहुत सारी बनती रहती है जिसकी सारी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहता हूँ। आप ये मशीन देख रहे हैं हमारे 2-in-1, जिसमें हमने इंजन भी लगा रखा है और ये मोटर भी लगा रखा है, यानी इंजन मोटर तो बंद कर दो भाई, इंजन भी लगा रखा है मोटर भी लगा रखा है, और मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ आपको, यानी जो जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसके बारे में बताता रहता हूँ। और ये बहुत ही बेहतरीन अच्छा लगा मुझे, तो जैसा कि मैंने इस मशीन को चला के दिखाया ऊपर से नीचे तक और उसका बेनिफिट बताया, जो मैंने वो रोलर सिस्टम लगाया है और इस मशीन को भी चला के दिखाया और इसका बेनिफिट दिखाया, और इस इंजन को भी मैंने बताया है कि वाटर कूल्ड इंजन ही हमें क्यों लेना चाहिए। तो हमें हमेशा बहुत ही छानबीन करके और कहीं से भी मशीन लीजिए, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है। आपका प्रेम तो एक तो बहुत मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मशीनरी चैनल को इतना सब्सक्राइबर, इतना लाइक और इतना वायरल कर रहे हैं आप लोग, क्यों? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ मेरी जानकारी ऑनेस्टली ईमानदारी से दी हुई है, इसलिए आप लोग पसंद कर रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, हमेशा थैंकफुल रहूँगा इसके लिए, हमेशा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी कि ये जो नई नई टेक्नोलॉजी मैं लाता हूँ वो आप बहुत पसंद कर रहे हैं हमेशा अपनी लेबर को बजाने के लिए, और आपको मैं जो जानकारी देता हूँ कि इन मशीनों में क्या क्या बेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपका काम और बेस्ट हो, जैसे कि ये नई टेक्नोलॉजी लगाई, और कभी बोरिंग वीडियो में नहीं लाता हूँ कि एक ही चीज़ की वीडियो में बार बार आपको बना के बताता रहूँ कि दो चैनल की लिफ्ट, दो चैनल की नई नाम, इस मशीन यूट्यूब चैनल का मशीन वाला है और मशीन वाला के नाम के अकॉर्डिंग मशीनों का भंडार है यहाँ पे, तो हमेशा कंपेयर करके इन चीज़ों को लीजिए। कोई भी डीलर कहता है कि वाटर कूल्ड इंजन खराब होता है, एयर कूल्ड इंजन अच्छा होता है, ऐसा मत सोचिए, एयर कूल्ड इंजन अपने लिए बहुत ही अच्छा है अपनी जगह पे, जो कि उस तरीके का इंडस्ट्री हो, उस तरीके का काम हो, पर वाटर कूल्ड इंजन आपको जहाँ भी मिक्सर मशीन में या इस लिफ्ट मशीन में लगानी हो तो वाटर कूल्ड इंजन लगाए, क्यों? क्योंकि वाटर कूल्ड इंजन लगाते समय क्या होता है, देखिए एक तो पानी का पंप फिट करना पड़ता है, एक ये मोटर की पुली लगी, इसके पानी के पंप की पुली लगानी पड़ती है, बेल्ट लगानी पड़ती है, उसके बाद इसकी लाइन बनानी पड़ती है, ये 3-4 खर्चे बन बैठ जाते हैं, जो कि कम से कम 3,000-2,500 का खर्चा आ जाता है, और इसमें टाइम लगता है, कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं इन चीज़ों को बनाने में, इसलिए वो डीलर, वो सप्लायर, ट्रेडर आपको कहेगा क्या कि सर वाटर कूल्ड इंजन मत लीजिए, बेकार होता है, कहाँ पानी लेके घूमोगे, अरे भाई हमें बेवकूफ़ बना रहा तू, आप कहना मुझे बेवकूफ़ बना रहा, वाटर कूल्ड इंजन क्यों नहीं लूँगा भाई, इस मशीन के अंदर जब कंक्रीट मिक्स हो रहा है तो मुझे पानी डालना ही डालना है, तो मेरे इसमें इंजन में पानी लगा दूंगा, इसको जब पानी अंदर से मिलता रहेगा तो ठंडा होता रहेगा, इजी है। और दूसरी सबसे बात, सपोज कीजिए एक बंद कमरा है, उसके अंदर बहुत गर्मी हो रही है, हवा कहीं से नहीं आ रही है,
पर उसके अंदर अगर आप बैठ गए तो पसीने से भीग जाएंगे, उसी में थोड़ी सी भी हवा, गर्म ही हवा मिले, चलने लग जाए तो आपका पसीना सूख जाएगा। इसकी मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ और ये रिसर्च करके देख लेना। सेम यही फार्मूला इस पर भी डिपेंड करता है कि जब ये चलता रहेगा और इसके अंदर पानी का सर्कुलेशन होता रहेगा, पानी तो इंजन ठंडा रहेगा, इंजन ठंडा रहेगा तो लाइफ ज़्यादा रहेगी। तो यही मेरे समझाने का मकसद था और मैं चाहता हूँ मेरे देशवासी हमेशा हर चीज़ों का, हर ज्ञान का, एकदम सब चीज़ का उनको नॉलेज रहे और आत्मनिर्भर, और मुझे जो प्रेम मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसी लगी ये जानकारी और कैसा लगा ये मेरा समझाने का तरीका, कैसा लगा ये इनोवेशन और क्या इसमें बेस्ट हो जाता हूँ, मुझे पर्सनली कमेंट करके बताएं और इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके आप इस चीज़ को पर्सनली, आपके पास मशीन है तो हमसे कोरियर के द्वारा मंगवा सकते हैं इस बोर्ड लाइन नंबर पर कॉल करके, और नहीं तो इन मशीनों के बारे में, जो मशीनें हैं आप देख पा रहे हो पीछे भी वो मशीनें खड़ी है, ये मशीनें जा रही हैं सब वो महाराष्ट्र में जा रही है, ये मशीन जो जा रही है ये मध्य प्रदेश में जा रही है रीवा में, ये लद्दाख में जा रही है मशीनें, इस तरह की कम से कम 10 मशीनें जाएंगी। तो ये मशीनों का भंडार है, मशीनें आती जाती रहती है और रेट को लेके कभी कंफ्यूज मत रहिएगा क्योंकि रेट वही बेकार देगा या वो देगा जिसको पता नहीं है। यहाँ पे आपको सर्विस की पूरी गारंटी मिलेगी, क्वालिटी की पूरी गारंटी मिलेगी और नॉलेज की पूरी गारंटी तो मैं दे देता हूँ भाई। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बहुत सारा प्रेम दे रहे हैं और अपने कमेंट्स करके मेरे जो हौसला बुलंद कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।